अब तक लोक अदालत में पारिवारिक समझौते के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार एसडीएम न्यायालय में एक अटूट परिवार को अभिभाषकों एवं एसडीएम के समझाइश से फिर जोड़ने में सफलता हासिल की है। एसडीएम ने बताया कि एक दंपति आपसी मनमुटाव के चलते अलग रह रहे थे। पति ने 3 बच्चों की कस्टडी का दावा किया था। इस प्रकरण में बच्चों के भविष्य एवं परिवार के टूटने की चिंता को देखते हुए अभिभाषकों एवं न्यायालय ने दंपति सहित सास को समझाइश दी, जिसका सकारात्मक परिणाम निकला और आज दंपति बच्चों के साथ एक साथ रहने को राजी हो गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? चल गए। आप चले गए? कहाँ रहते हैं आप? ये कहाँ रहते हैं आपके पति? कितने महीने हो गए थे आपको अलग होने? 7 महीने। 7 महीने। क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? खुश हो? तुम भी खुश हो? अलग क्यों हुए थे? क्या हो गया था एकदम से? झगड़ा हो गया? जरा जरा सी बात साहब, कैसे हो? दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो गया था, दारू पिया करे तो झगड़ा हो गया था, तो मेरी पत्नी चले गई थी 7 महीने से। फिर अभी दारू छोड़ दिया तो पत्नी को पता चला, वो आपसे आ गई है। अच्छा। और एसडीएम साहब के यहाँ लेके आए और हमारा इकट्ठा हो गए। मतलब एसडीएम साहब ने मिलवा दिए। अब रहोगे साथ में? आप साथ में रहेंगे। तो अभी खुश हो तुम? खुश है। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र। न्यायालय में ये पहली बार मामला आया था कि इसमें 97 के अंतर्गत वकील ने आवेदन लगाया था कि जो 3 बच्चे हैं माता के पास, रत्ना के पास, ये पिता अपनी कस्टडी में चाहता था और इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद था और ये अलग अलग रह रहे थे और इनको इसके अंतर्गत इन्होंने आवेदन लगाया। आवेदन लगा करके इन लोगों को जब काउंसलिंग की गई है, वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है और सभी लोगों की भूमिका है, फिर इनको जब ये बच्चों के लिए विवाद था, ये लोग आए तो इनको समझाया गया कि बच्चों के क्यों लड़ रहे हैं। तो इनके जो सास है, वो सास का कुछ जिद थी, पर्सनल ईगो था, उनको जब समझाया गया कि ये ईगो करने की जरूरत नहीं, इससे घर टूट रहा है, बच्चों को लेने देने से कुछ होना नहीं, फिर इन सब पूरे परिवारों को काउंसलिंग की गई। जब इनको समझ में आए कि इन्होंने ये विवाद को त्याग कर दोनों एक साथ परिवार बसाने के रहने के लिए तैयार हो गए। विवाद का कारण क्या? व्यक्तिगत विवाद थे, कुछ इशू व्यक्तिगत पारिवारिक इशू रहते पति पत्नी और सास के बीच में, तो उन इशू को लेकर लंबे समय से विवाद था। तो इस प्रकार ये घर टूटा हुआ घर जुड़ गया है और एक तरह से बस गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझौते के माध्यम से, आपसी सुलह के माध्यम से समझाया गया। तो ये लंबे समय से थे, ये दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो ये आए थे बल्कि एक दूसरे के विरोध में बच्चे को कस्टोडियन मांगे, लेकिन पहली बार यहाँ पर लोगों को घरों को जोड़ दिया गया है। तो अपन यही चाहते कि लोगों घर बसे और जुड़े, तो ये जुड़ गए घर, चाहो तो आप इनसे ले सकते हैं। अब वो व्यक्तिगत इशू है, अपन उसको नहीं बोल सकते हैं, पति पत्नी विवाद है, लेकिन अपना इतना उद्देश्य था कि घरों को जोड़ा जाए, एक साथ रहे, यही अपना मुख्य उद्देश्य है, घर टूटे ना बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।